हमारे इतिहास में कई ऐसी घटना हुई हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। जलियांवाला बाग के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा ही कुछ 1905 में रूस में भी हुआ था। चलिए जानते हैं क्या हुआ था ऐसा जिसको आज भी हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रूस हार गया था। उस समय रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। वह बहुत ही क्रूर शासक था। वह निचले वर्ग के लोगों का बहुत शोषण करता था, जिसके कारण निचले तबके के लोग परेशान होकर जार के शाही शासन का अंत करना चाहते थे, और इसीलिए 22 जनवरी 1905 को मजदूरों के संगठन का पादरी वर्ग एक जुलूस निकालकर जार के महल के सामने खड़े हो गए। जब जार निकोलस द्वितीय ने यह देखा तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी लोगों को गोलियां मार दी जाएं। जार की सेना ने आदेश सुनकर लोगों के सामने गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। यह दिन इतिहास की एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है। 22 जनवरी 1905 को रविवार का दिन था, इसीलिए यह रविवार खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आगे कुछ ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट गुरुशाला के साथ।